झारखंड सरकार से निष्पक्ष रूप से जांच करने को लेकर आग्रह किए हैं। समाज सेवी चमेली देवी जामताड़ा, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों पर जांच होना चाहिए। बीते 3 दिन पूर्व 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के कुछ जनप्रतिनिधि अवैध रुपए लेकर कहीं जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां झारखंड नंबर के एक काले रंग के फॉर्च्यूनर जिसमें जामताड़ा एमएलए का साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसकी जांच की गई तो झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक कर्मशा डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्षल को गाड़ी के साथ लाखों रुपए का बैग मिला। बंगाल पुलिस ने तीनों विधायकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई। वहीं अब मामले की जांच बंगाल सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है। इस घटना के बाद जिले में गठबंधन की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी, सभी ने इस पर तीखा प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। आज पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की पत्नी चमेली देवी ने अपने आवास में एक प्रेस वार्ता कर जामताड़ा विधायक समेत तीनों विधायक पर झारखंड को शर्मसार करने का आरोप लगाया है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों को मूर्ख बनाकर वोट लेने की बात कही है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार गिराने को लेकर तीनों विधायकों पर आरोप लगाए हैं। झारखंड सरकार ने निष्पक्ष रूप से जांच करने को लेकर आग्रह किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों पर जांच होना चाहिए। बताइए। हाँ देखिए, मुझे तो मीडिया के माध्यम से, बोलिए चैनल के माध्यम से, जैसे सारा जानकारी मिली, बंगाल में जो तीनों विधायक के साथ ऐसा जो घटना वो तीनों किए हैं, ये बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आदिवासी वोट बटोरने के लिए वो भोली भाली आदिवासी जनता लोग को बेवकूफ़ बना के और वोट अपना बटोर लिए। इसके बाद अगर सरकार बनाए तो कितने अच्छे सरकार चल रही थी, लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है, बनने के बाद कुछ लोग ने गिराने का ही ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो नेता लोग के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता लोग के ऊपर फर्क पड़ता है। और ये बोलिए जामताड़ा नहीं, पूरा झारखंड के लिए ये शर्मसार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप बेटा मानते थे, बिल्कुल आज भी मैं बेटा मानती हूँ, लेकिन उन्होंने बेटा का काम किया नहीं, ये बहुत निंदनीय काम किया। इस जगह मेरा बेटा क्या, अगर मेरा पोता भी रहता तो आज मैं उसे भी नहीं छोड़ती। ये गलत तो गलत, गलत का कोई ये नहीं है।